नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इख़लास रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इख़लास अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। इलाही आमीन। हम फ़िक़्ह इस्लामी पढ़ रहे हैं। कैसा जा रहा है फ़िक़्ह इस्लामी? समझ आ रहा है क्या मकसद है इसको पढ़ने का? सही गलत में एक्चुअल फर्क आप कर सकेंगे। गुड, बारकल्ला। और बिल्कुल हमें तमाम मसालिक को पढ़ना चाहिए, फिर कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कुरान और सुन्ना से, सिर्फ एक ही मसलक से चिमट जाना, अपने आप को महदूद कर देना, इससे आपको छुड़ाया जा रहा है। और क्यों, इसके सारे रीजंस भी दिए जा रहे हैं ताकि आपकी जहन की गिरहें खुलें और जहनों में वसअत आए हमारे, जी अपनी राह, सही राह चुन सकें। बिल्कुल ठीक है, गुड, बारकल्ला। बिल्कुल, क्योंकि सिरात मुस्तकीम कितनी है? एक है कि उसको तलाश करना है। वह है मुस्तकीम, बिल्कुल सीधी, दुरुस्त, वाजे अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कुछ चीज़ों को शामिल करके उसको गड़बड़ कर दिया गया है। तो हमें वो मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम सीधे रास्ते पर, और वो रास्ता कहाँ लेकर जाता है? जन्नत की तरफ, अल्लाह की रजा की तरफ। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, मकसद है ना कुछ इसको पढ़ने का, सही है। चलें जी, फिर पिछले असबाक में से मैंने आपसे कहा था कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई सवाल है किसी का? समझ आ रहा है फ़िक़्ह इस्लामी? सबको समझ आ रहा है? सबको क्लियर है? मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको घर जाकर मैं इसीलिए आपको कहती हूँ 3 मरतबा पढ़ें ताकि आप इसको और अच्छी तरह समझ सकें, ठीक है। चलें जी, आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम क्लास का आगाज करेंगे। जी, फ़िक़्ह इस्लामी हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम पेज नंबर 59 तक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने आखिर में ये सीखा था कि फ़िक़्ह इस्लामी के मसाइल कैसे अखज़ किए जाते हैं। आयत के ज़रिए हमने एग्जाम्पल देखी थी, और इससे बहुत सारे, एक आयत को लेकर हमने मसाइल ढूंढे थे। एक एक लफ्ज़ के ज़रिए, एक एक लफ्ज़ पर जब उलमा गौर व फिक्र करते हैं तो उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला क्या क्या हुक्म दे रहे हैं। फिर इसके बाद आखिर में हमने कुछ ज़ईफ़ फ़िक़्ह भी देखी थी, जिसमें बहुत सारी मिसालें देखी थी जो नमाज के मुतालिक भी थी और दीगर फ़िक़्ह भी थी, जिसका सोर्स क्या था? ज़ईफ़ अहादीस। और ज़ईफ़ अहादीस का एक बहुत बड़ा मजमुआ है, उसमें बहुत सारी अक़साम हैं जो आप पढ़ चुके हैं उलूमुल हदीस में, मुसलाहुल हदीस में, कि कौन कौन सी किस्में ज़ईफ़ की अक़साम से आती हैं। तो उन सब को लेकर बहुत सी ज़ईफ़ फ़िक़्ह निकाली गई है जो कि नाकाबिले कबूल है, ठीक है, जिसका सोर्स ज़ईफ़ अहादीस हैं, गैर मारूफ किताबें हैं। कुछ लोगों ने अपने तजुर्बे डाल दिए हैं, कुछ लोगों ने किसी चीज़ को नाकाफ़ी समझ के डाल दिया, कुछ लोगों ने वजाहत की, उसको दीन का हिस्सा समझ लिया गया। बहुत सारी चीज़ें इस वजह से शामिल हो गई। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इंशाल्लाह हम अगला मौजू शुरू करेंगे, फ़िक़्ह में अहम तरीन चीज़, ये इसी से मुताल्लिक है जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है। उमूमन 2 चीज़ें फ़िक़्ह में अहम होती हैं, इस्तिखराज मसला और उसकी दलील। मसले को डिड्यूस करना, मसले को निकालना पहली चीज़, और उसका सोर्स, उसकी दलील। ये 2 चीज़ें फ़िक़्ह में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जिसके ज़रिए फ़िक़्ह को समझा जाता है। ये बुनियादें हैं। दलील, अब ये जो 2 चीज़ें इस्तिखराज मसला और दलील, उसमें से सबसे पहले हम दलील को पढ़ेंगे। जब भी कोई फ़िक़्ही मसला बताया जाता है तो इसमें इंतहाई अहम शय, इंतहाई अहम चीज़ उसकी दलील हुआ करती है। दलाइल 2 किस्म के हैं, अक़ली और नक़ली। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। नक़ली यानी नरेटेड, कुरान पाक और अहादीसे सहीहा। शरई मसाइल में नक़ल यानी जितने भी मसाइल शरीयत से मुताल्लिक हैं उसमें नक़ल यानी कुरान और हदीस की अहमियत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अहमियत जिस दलाइल को दी जाएगी मसाइल को अखज़ करने के लिए, वो क्या हैं? कुरान और हदीस। इसे दलील कहते हैं। फिक्र की बुनियाद इन्हीं दो पर कायम है। कौन से दो पर? कुरान और हदीस पर। क्यों? क्योंकि मुसलमान को यही दो चीज़ें ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली हैं। इसलिए अव्वलन तो इस मसले की दलील गौर करके, यानी कोई मसला अगर सामने आया है तो अव्वलन तो इस मसले की दलील गौर करके कुरान और सुन्नत में ही देखी जाती है, और फिर अक्लन भी उसका तज्जिया किया जा सकता है। सेकेंडरी चीज़ है अक्ली दलील या लॉजिक तलाश करना। कुरान तो अल्लाह पाक का कलाम है और सुन्नत सही हदीस से साबित होती है। ये जो दो ज़राए हैं जिसको नकली दलील कहा जाता है, उसमें से एक कुरान तो क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, और सुन्नत किसे कहेंगे? सही हदीस से साबित शुदा जो चीज़ है उसे सुन्नत कहेंगे। इसी गौर का नाम फ़िक़्ह है। यानी पहले शरई मसले के लिए क्या चीज़ देखी जाएगी? नकली दलील। इस नकली दलील को देखना यानी सही दलाइल क्या हैं, और फिर अकल से भी इसका तज्जिया करना, ये गौर व फिक्र फ़िक़्ह कहलाता है। ये गौर व फिक्र दरअसल दीनी बेदारी है, शऊर है दीन का। दरअसल सही शऊर क्या है? कि यही बेदारी हो इंसान को कि वो किसी भी मसले को कुरान और हदीस के ज़रिए सॉल्व करे, जो फ़क़ीह को अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं कि फ़िक़ही मसाइल कबूल करते वक्त कुरान और सुन्नत की दलील को देखे और जाने। वो हक़ को दलील के पहचानने, वो हक़ को दलील से पहचाने, ना कि रिजाल से। रिजाल कहते हैं लोगों की तादाद, यानी जहां पर कसरत हो, लोगों की ज्यादा राय हो, उसको वो नहीं देखता। एक मुहावरा हमारे यहाँ मशहूर है ना, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, यानी जिस तरफ लोग जा रहे हैं आप उसी तरफ चलें तो आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसा उसूल हमारा दीन नहीं देता। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि जो हकीकी तौर पे फ़क़ीह है वो क्या करता है? वो हक़ को दलील से पहचाने, ना कि रिजाल से, ना कि फ़लाँ फ़क़ीह से बल्कि जो कुरान और सुन्नत बयान करते हैं। और जिन फ़ुक़हा की आरा कुरान और सुन्नत से मिल जाती हैं उनकी आरा को भी शामिल करें। इस बेदारी में यानी इस शऊर में ये बात भी शामिल है कि कुरान और सुन्नत की कोई दलील बिलफर्ज अगर कबूल नहीं, तो फिर जिसे दलील बनाया जा रहा है वो कैसे और क्यों कबूल की जा रही है। यानी इस बेदारी में ये बात भी शामिल है कि अगर कोई कुरान और सुन्नत की दलील नहीं दे रहा बिलफर्ज, अगर उसको कुरान और सुन्नत की दलील कबूल नहीं है, तो दूसरी दलील अगर कोई और दे रहा है तो उसको कैसे कोई फ़क़ीह कबूल करे जो हक़ पर है? वो भी मना करेगा ना कि नहीं, अल्लाह ताला ने जितने भी मसाइल का हल हमें दिया है उसका जरिया क्या है? कुरान और हदीस है। वो कैसे और क्यों कबूल की जा रही है? इस्तिदलाल की सही पहचान का ये मलिका अल्लाह ताला जिसको अता कर दे वही खैर कसीर है। इसी को कहा गया है मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमाता है उसे दीन का सही फहम अता फरमाता है। इस्तिखराज मसला, नुसूस सहीहा को पढ़ने के बाद उसे कैसे समझा और क्या समझा। नुसूस सहीहा कुरान और हदीस के टेक्स्ट को कहा जाता है। उसको पढ़ लिया, पहला प्रोसेस, उसके बाद उसको कैसे समझा है और क्या समझा है। कुरान और हदीस क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, ये भी असल चीज़ है। यही शय फ़क़ीह को दूसरे से मुमताज़ करती है। आप देखते होंगे कि एक ही मसले के बारे में बहुत से उलमा अलग अलग दलाइल देते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के समझने का अंदाज, समझने का लेवल डिफरेंट होता है। इसीलिए फ़क़ीह के दरजात हैं, फ़ुक़हा के दरजात हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो नुसूस सहीहा को पढ़ने के बाद उसे कैसे समझा और क्या समझा, यही शय फ़क़ीह को दूसरे से मुमताज़ करती है। उसकी बेदार मग़ज़ी और सही दीनी मार्फत ही वो खैर कसीर है जो अल्लाह ताला ने उसे अता कर दी है। उसकी बेदार मग़ज़ी यानी उसका हाजिर दिमागी, उसके दिमाग का बेदार होना और सही दीनी मार्फत, मार्फत यानी पहचान, दीन की सही मार्फत होना ही वो खैर है वो ज्यादा खैर है जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाई। और ये कैसे होगी? जब उसकी नीयत दुरुस्त होगी। ये वही वाली शुरू की जो हमने इल्म की अकसाम और उसको हासिल करने के लिए हमने तमहीदन जो लेक्चर पढ़ा था ना, वो सारी चीजें कि जिसकी नीयत ही होगी कि वो इसलिए इल्म हासिल करे कि सही इस्तेदलाल कर सके, लोगों की रहनुमाई कर सके, तो अल्लाह ताला जरूर उसको दुरुस्त फहम अता फरमाता है। मसलन दौरे हाजिर के मसाइल का हल नुसूसे सहीहा को समझ कर देना, यानी अगर दौरे हाजिर का कोई मसला है तो नुसूसे सहीहा के जरिए उसे कैसे दिया जाएगा। जैसे खातून के लिए मेडिकल और नर्सिंग की तालीम हासिल करना क्या जायज़ है या नहीं, ये एक सवाल आता है। अब हम इसके लिए जब उलमा से फैसला लेते हैं तो वो हयात तैयबा में झांकते हैं कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई मिसाल मिलती है? मिलती है कोई मिसाल? क्या मिसाल मिलती है? जंगों में सहाबियात, क्योंकि यहाँ किसकी बात की जा रही है? खातून की बात की जा रही है। तो क्या खवातीन, मर्द तो हासिल कर ही सकते हैं हर किस्म की तालीम जो दूसरों के लिए मुस्तफीद हो, लेकिन क्या खवातीन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेडिकल की तालीम में कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस होती हैं जो ओपनली नहीं हो सकती, और जो निज़ाम तालीम है उसमें को सिस्टम है, बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ होते हैं, तो क्या मेडिकल और नर्सिंग, और फिर अगर औरतें होंगी तो क्या मर्द उनसे इलाज करवा सकते हैं? बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें शरई रहनुमाई होनी जरूरी है। तो जब हम शरीयत के रूह से देखते हैं तो हमें हयात तैयबा में जब झांकते हैं तो हमारे पास यही दलील मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबियात मुजाहिदीन की मरहम पट्टी किया करती थी। जंगों में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बहादुर सहाबियात जाया करती थी वो मरहम पट्टी किया करती थी, और मरहम पट्टी जिस्म के किसी भी हिस्से की हो सकती है। दुश्मन पहले ये तो नहीं देखता कि कहाँ पर वो चोट लगा रहा है, और मरहम पट्टी तो किसी भी जगह की जा सकती है। तो एक सहाबिया हैं उम्मे अतिया अल अंसारिया, जितनी भी अहादीसें इन्हीं से रिवायत हैं, वो कहती हैं कुन्ना नुदावीन अल जरहा, हम मरहम पट्टी किया करते थे जख्मियों की। तो ये दलील मिलती है कि खवातीन मेडिकल की तालीम ले सकती हैं, लेकिन अपने हुदूद में रहकर वो तालीम हासिल करेंगी, और वो हुदूद क्या होगी कि वो शरई पर्दे के साथ जाएंगी। उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या तकाजे हैं शरीयत के, ऐसा ना हो कि वो बेबाक होकर बेपर्दा होकर किसी भी तरह किसी भी पहलू में चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जवाब क्या होगा कि ले सकती हैं लेकिन अपनी लिमिट को नहीं भूलेंगी, अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगी। इसी तरह एक और मसला कि बैंकिंग और इंश्योरेंस के सूदी निज़ाम को इस्लामी बनाना वगैरह। तो बैंकिंग का निज़ाम क्या इस्लाम जो हमारा मौजूदा बैंकिंग निज़ाम है उसकी इजाज़त देता है या नहीं? तो बैंकिंग दरअसल कारोबार नहीं है, एक मालियाती इदारा है जो लोगों की बचतों को सूद पर हासिल करके उस माल को, यानी जो उसने लोगों की बचतों को, लोगों की जो लोग बचत करते हैं उसको जमा करवाते हैं बैंक में, उसको वो सूद के एवज रखता है। और जो लोग आकर उनसे कर्ज लेते हैं, कुछ तिजारती कंपनियां लेती हैं या फिर कुछ लोग लेते हैं, उनको वो सूद कर्ज पर फराहम करता है। तो ये एक मालियाती इदारा है। इस मालियाती कर्ज पर, सूदी कर्ज पर मबनी इदारे की इजाजत इस्लाम में नहीं है, जबकि इस्लाम में सूद नहीं कारोबार की इजाजत है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमाते हैं? हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया। तो हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम एक मालियाती इदारा है जो कि सूद पर मबनी है, और इस्लाम कारोबार को तरजीह देता है। माल को एक जगह जमा करने से बेहतर इस्लाम क्या एडवाइस करता है कि आप कारोबार एक्सपेंड करें, उस माल को कहीं लगाएं, लेकिन बगैर सूद के। तो ये हमारा बैंकिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा कि इस बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस सिस्टम को इस्लाम अलाउ नहीं करता। तो ये जो दौरे हाजिर के मसाइल हैं उनको कुरान और हदीस के जरिए से हल करना, ये 2-3 मिसालें थीं जो आपको हमने बताई हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस के सूदी निज़ाम को इस्लामी बनाना वगैरह, यानी इसी निज़ाम को ये कह दिया जाए कि ये इस्लामी निज़ाम है और इस्लामिक बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, तो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में फिलहाल नहीं है। अगर कोई ये कहता भी है कि इस्लामिक बैंक है तब भी वो इस्लामिक बैंक नहीं है, क्योंकि इसको कंसर्न किससे करना पड़ता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, और स्टेट बैंक हमारी सूद पर खड़ी है। इस वजह से अगर वो कितना भी कहे कि हम इस्लामिक बैंक है, वो इस्लामिक बैंक नहीं है, क्योंकि सब ताबे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। तो लोग ये कहते हैं कि दीन को बदल लें, निज़ाम को ना बदलें। तो निज़ाम बदला जाएगा, शरीयत नहीं बदली जाएगी। अगर शरीयत के मुताबिक बैंकिंग कर दी जाए तो हम शायद ज्यादा तरक्की याफ्ता अक़वाम हो, हम पर जितना सूद जितना कर्ज है उतना ना होता आज। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और हमारे निज़ाम को शरई निज़ाम करे, हमारी दुआ है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर हमारी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा कि हमारे निज़ाम को शरई निज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे मसाइल का इस्तिखराज कुरान और सुन्नत की रोशनी में करना और हल पेश करना इज्तिहाद कहलाता है। इसी तरह की जद्दोजहद होती है ना, जिसके बाद किसी सही नतीजे पर पहुंचा जाता है, उसको इज्तिहाद कहा जाता है। ऐसे इज्तिहाद और इस्तिखराज की शाहिद कुतुब हदीस, यानी ऐसे इस्तिखराज आपको कहाँ मिलेंगे, जिन किताबों में मिलेंगे। ऐसी अहादीस की किताबें कौन सी हैं जो तराजमे अबवाब हैं, जो दरअसल असरी सवालात यानी उस वक्त के ज़माने के सवालात थे जिनका जवाब उन्होंने हदीस से इस्तिदलाल करके बाब की सूरत में दिया। पिछली दफ़ा मैंने आपको मिसाल में इकबाल कीलानी साहब की किताब बताई थी कि वो ऊपर बाब देते हैं, टॉपिक देते हैं, हदीस से एक मसला अखज करते हैं, तो वो मसला अखज करके उसको क्या कहा जा रहा है, तराजे में अबवाब कहा जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आपको इस्तिखराज इज्तिहाद मिल सकता है, जिसमें आपको वो कहाँ मिलेगा, वो टॉपिक आपको मिलेगा, जिसके बाद वो दरअसल क्या था, उस दौर में किया जाने वाला सवाल था, जिसका जवाब बुखारी साहब ने दिया। इसके अलावा जितने भी सिहाए सित्ता हैं या जितनी भी सही कुतुब हैं, उसमें अबवाब बंदी जो की गई है ना, उसके तराजिम किए गए हैं उर्दू में, या उसका जिस जबान में भी तर्जुमा किया गया है, तो वो सब क्या है, मसले का इस्तिखराज है किया गया है, और फिर नीचे दलील दी गई है। और ये दरअसल क्या थे, असरी सवालात थे, उस वक्त में किए जाने वाले लोगों के सवालात थे, जिनका जवाब उन्होंने हदीस से इस्तिदलाल करके बाब की सूरत में दे दिया है। उम्मीद है कि स्टेटमेंट अब आपको समझ आ गई होगी। दौरे हाजिर में, यानी अब मौजूदा दौर में, इन मसाइल का हल हम कहाँ पर तलाश कर सकते हैं। दौरे हाजिर में शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की तफसीर, इस तफसीर का नाम है तफसीरुल कुरानुल करीम, जो कि अरबी जबान में है, और इसमें मसाइल का इस्तिखराज और इस्तिंबात एक बेमिसाल फुकाहत का सबूत है। शेख इब्न उसैमीन दौरे हाजिर के वो बड़े आलिम थे जो उन्होंने आयत के जरिए नीचे, जब आयत बयान कर लेते हैं उसका तर्जुमा बयान कर लेते हैं, तो नीचे उस आयत से अखज होने वाले जितने मसाइल उनके जहन में आते हैं वो तमाम निकालते जाते हैं, उसका इस्तिखराज करते हैं। तो दौरे हाजिर की सबसे बेहतरीन किताब ये तफसीर की किताब है, जो कि बेमिसाल फुकाहत का सबूत है। फिक़्ह तफ़क़्क़ुह का हासिल यही कुछ है जो उलमा ने दीन की असल माख़ज़ से जमा किया। इसी तरह बाज़ फ़ुक़हाए किराम की ज़बरदस्त इस्तिदलाल पर इंसानी अक़ल भी दंग रह जाती है कि इतना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इनको फ़हम अता फरमाया, कितना मुश्किल मसला इन्होंने, कुरान पाक इतना इनका उबूर है कि इस आयत को पढ़ने के बाद ये चीज़ इनके जहन में आई, ये दलील इस चीज़ की बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, क्या शुक्र अदा होता है कि अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा दिए, हमें ऐसे उलमा नसीब फरमाए। जैसे शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया, इनकी किताब है फतावा, तकरीबन 37 या 39 वॉल्यूम्स हैं, फतावा के नाम से इनकी किताब है। हर मसले पर आयात दिए जाते हैं, इतनी अहादीस बयान किए जाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि इनको इतना अहादीस का मजमुआ कैसे याद है, कैसे वो हर बात याद रखते हैं। तो ये बेहतरीन मिसाल है शेखुल इस्लाम की किताब, जो इमाम इब्न तैमिया की किताब है फतावा। और इनके मासिर, इनके हम जमाना या बाद के फुकाहा के इस्तिदलाल वगैरह, यानी इनके जमाने के बहुत सारे ऐसे उलमा थे जिनकी बेमिसाल कुतुब मौजूद हैं और उनके बाद के भी बहुत से फुकाहा हैं और आज तक ऐसे फकीह मौजूद हैं जो इतना जबरदस्त कुरान और हदीस पे अबूर हासिल रखते हैं कि इनसे जब भी कोई मसला पूछा जाए तो वो उसका इस्तिदलाल कुरान और हदीस से ही करते हैं। जेल में कुछ मुतदाविल कुतुब की मिसालें और इस फिक़ही बेदारी को बआसानी समझा सकें और मरातिब फुकाहा को भी, यानी कुछ किताब के बारे में कुतुब के बारे में आपको बयान किया जाएगा जिसके जरिए से आप के अंदर एक फिक़ही बेदारी को उजागर किया जाएगा, हम आसानी से समझ सकते हैं। और फुकाहा के मरातिब क्या हैं, किस दर्जे का कौन सा फकीह है, जाहिर हम बहुत सारी कुतुब पढ़ेंगे तभी हमें अंदाजा होगा ना, हम लेवल जज कर सकेंगे कि अल्लाह ताला ने किस फकीह को क्या दर्जा दिया। क्योंकि आप जब भी तफसीर उठा के देखें, आप एक तफसीर तो नहीं पढ़ते, आप तफसीरुल कुरान पढ़ते हैं, आप तफसीरुर रहमान पढ़ते हैं, इसके अलावा आप सऊदी कुरान पढ़ते हैं, बहुत से पढ़ते हैं। आपको हर मुफस्सिर से नई नई चीज सीखने को मिलती है, आप एक के बाद दूसरे को बहुत पाए का पाते हैं। तो ये क्या है? दराजात है अल्लाह की तरफ से।